नमस्कार। आज आप सुनेंगे विष्णु शर्मा की कहानी अक्लमंद हंस। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पर बहुत से हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सयाना हंस था। वह बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी था। सब उसका आदर करते और ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते हुए पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो इस बेल को नष्ट कर दो, एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। सयाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी और कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बन जाएगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। किसी ने कहा, यह ताऊ अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अर्थहीन कहानी गढ़ रहा है। इस प्रकार किसी भी हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की अक्ल उनमें नहीं थी। समय बीतता रहा, बेल लपेटते लपेटते ऊपर शाखों तक पहुंच गए। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई नजर आने लगी, पर अब कुछ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे काटना हंसों की बस की बात नहीं थी। एक दिन जब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए, पेड़ पर उतरे तो पहेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुपचाप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन आप हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है, आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी, तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो, सुबह जब बहेलिया आएगा तो मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा, वहाँ भी मरे सामान जैसे पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को खींचेगा तो मैं सीटी बजाऊंगा और तुम मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया, हंसों ने वैसा ही कहा जैसे ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए।